केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कतर से भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का साधुवाद किया। जैसा कि आप बता दें कि कुछ महीने पहले कतर की सरकार ने कुछ भारतीयों को गिरफ्तार कर उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल और उच्च कोटि के डिप्लोमेसी के कारण न सिर्फ उन भारतीयों की सजा माफ हुई बल्कि उनकी घर वापसी भी हुई। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश के सामने ऐसा यह पहला अवसर नहीं है, बल्कि कोरोना की विभीषिका के दौरान और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारतीयों को वापस स्वदेश लाकर केंद्र सरकार ने विदेशी कूटनीति का उच्च कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि कतर ने भारतीय ऐसे नागरिकों के बारे में फांसी की सजा सुनाई थी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हस्तक्षेप से वो सारे, अब उसमें से अधिकांश सारे लोग लगभग वापस आ चुके हैं। फांसी की सजा मिलने के बाद जिस तरीके से भारतीय पक्ष को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद के माध्यम से रखा, यह संभव हो सका कि ऐसे लोग जिनको कतर गवर्नमेंट ने फांसी की सजा दे दी थी उससे वो मुक्त हो गए और कई लोग दिल्ली पहुंच गए। तो ये जो एक डिप्लोमेसी है भारत का, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से इस मामले को डील किया, जिस तरीके से देखा, जो जिस तरीके से इसे जिसे कहा जाए कि रणनीति अपनाई, वो इस बात को साबित करता है कि भारत के हर विषय पर और भारतीय मूल के या भारतीय नागरिक दुनिया में कहीं भी हो, वो सुरक्षित हो, सुरक्षित आए। और आपने देखा होगा कोविड के समय में कितने लोगों को स्पेशल प्लेन से लाया गया, कई यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में लोगों को वहाँ से लाया गया। बल्कि भारतीय लोगों को लाने के लिए दोनों देश के साथ ऐसा संवाद स्थापित करते हुए कि उनके बीच में युद्ध विराम हो और भारत के नागरिक वापस आए। तो आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि भारत अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ ऐसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर दुनिया में कहीं भी रहने वाले लोगों के बीच में, और ये तो उदाहरण है कि कतर से जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी वापस भारत लौट रहे हैं।